हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है प्रिपरेशन से जो है हट के थोड़ा सा बातें करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का मांग रहता है कि सर कुछ बताइए जिसके बारे में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। एमबीआई के बारे में कुछ जानना चाहते थे कि सर क्या होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसका कौन कौन से काम करना पड़ता है इसमें, और कहाँ कहाँ पोस्टेड होता है ना, तो ये सब बारे में जानना चाहते थे। तो हम सोचे कि चलिए स्टूडेंट के जो है कि कमेंट को जो है हम पूरा करते हैं इस बातों को। तो आज फ्रेंड्स लेके आए हैं एमबीआई, जो आप लोग प्रिपरेशन करा हम करवा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं एमबीआई का, यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। तो उसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे कि वो क्या होता है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो पोस्टिंग कहाँ होती है। तो ये सब सारी बातें जो है फ्रेंड्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप जो है मेरे वीडियो पे लगातार बने रहिए और शुरू से अंत तक आप देखिए फ्रेंड्स, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स इसके बारे में जानने के लिए आप इच्छुक नहीं रह पाएंगे कि जो है क्या होता है नहीं होता है ना, सब कुछ आज इसके बारे में हम बताने वाले हैं डिटेल से। तो फ्रेंड्स कहेंगे कि जो है आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहले हम आते हैं कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि जो है उसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, है ना। तो जो है इसका जो है योग्यता जो है अगर बात करते हैं, तो एक इंस्पेक्टर बनने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी बातें होता है फ्रेंड, है ना, वो क्या होता है कि किसी भी सबसे पहले तो आपका अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है या विश्वविद्यालय से किसी आपको मैट्रिक या फिर एसएससी जो है पास होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना, पहले तो सबसे पहले मैट्रिक पास ही होना चाहिए, है ना। तो ये तो आप रख लीजिए, बेसिक चीज़ है। उसके बाद में इसके साथ ही जो है सरकार के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है, यानी कि जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है आपको ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में जो है इंजीनियरिंग के जो है डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग भरे भी होंगे तो आप लोग जान गए होंगे कि जो है क्या क्या चीज़ जो है क्या उसमें एलिजिबिलिटी होता है ना, क्या क्या चीज़ क्वालिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या सारे एविडेंस देने पड़ते हैं, तो आप लोग जो है सारे जाने होंगे। और जो है उससे संबंधित ट्रेड्स में कुछ हाई क्वालिफिकेशन का जो है उम्मीदवार भी जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो उच्च स्तरीय जो क्वालिफिकेशन रखते हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो ये बातें हैं। और कुछ राज्य में जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता स्नातक डिग्री भी मांगा जाता है। इसमें जो है कॉमन जो ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएट लेवल के हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है अभी फ्रेंड्स मांगा नहीं गया है, लेकिन कभी कभी स्नातक डिग्री भी यानी कि ग्रेजुएशन भी मांगा जाता है। इसमें केवल जो है मांगा गया है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप जो है 3 वर्ष का कोर्स किए हैं डिप्लोमा, तो जो है आप इसमें एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है योग्यता इसकी क्या होती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो इसकी बातें जो है हम करते हैं अब फ्रेंड्स कि मोटर व्हीकल यानी कि इंस्पेक्टर यानी कि एमबीआई जो अभी बीपीएससी की तरफ से निकाली गई है एमबीआई रिक्वायरमेंट, तो उस पद के उम्मीदवारों का चयन जो है आमतौर पर कैसे होता है। तो शैक्षणिक रिकॉर्ड, पहले तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। आपको लिखित परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें समान ज्ञान, अगर जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। इसके अलावा जो आपका जैसे ऑटोमोबाइल से आप किए हैं तो वो आपका जो है ट्रेड वाली क्वेश्चन, है ना, और जो है जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो आपका ट्रेड वाली क्वेश्चन जो है इससे आएगी, और वो जो भी है मल्टीपल को टाइप की आएगी जो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप की आएगी, है ना। तो इस तरह का जो है इस तरह का लिखित एग्ज़ाम भी लिया जाता है।
और जो है लिखित परीक्षा में आमतौर पर जो है ऑटोमोबाइल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है समान अध्ययन, बारहवीं स्तर का एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी आदि से प्रश्न भी आते हैं। और जो फ्रेंड्स ये आप समझ जाइए सीधा सीधी कि जनरल अवेयरनेस में पंचवर्षीय योजना, इंडियन इकोनॉमी, कल्चर, करंट अफेयर, साइंस से है ना, जो कि इंडियन टेक्नोलॉजी, ये सबसे जो है जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं है ना। इसमें खास करके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ना है अगर जनरल अवेयरनेस में, तो आप जो है पंचवर्षीय योजना पे ध्यान देंगे। उसके अलावा मैं इस और फ्रेंड्स बता दूं कि मैं जो है जनरल अवेयरनेस के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे MBI के एग्ज़ाम को लेकर, मैं उसे जो है प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो पंचवर्षीय योजना, इंडियन इकोनॉमी है ना, कल्चर, ये सब जो है इसमें आवश्यक करके पूछे जाते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटिव है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा फिर करंट अफेयर, और बिहार से जो भी बिहार से निकला है तो बिहार के जाहिर सी बात है कि जो भी बिहार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी आने की संभावना है फ्रेंड्स। तो मैं ये सब प्रिपरेशन करवाऊँ, इससे पहले आप लोग कमेंट करके भी हमें मोटिवेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सब फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। और रही फिर बात कि अब सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर है ना, तो ये सब होने के बाद में जो है फ्रेंड्स, उसके बाद में आप जो ट्रेड से किए हैं ऑटोमोबाइल से या मैकेनिकल से, उस भी जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया आपका चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन कैसे होता है। पहले लिखित परीक्षा होता है, उसके बाद में एक इंटरव्यू होता है ना, उसके बाद में इंटरव्यू हो भी सकता है फ्रेंड्स, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये जो है बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लिखित परीक्षा जो है CO टाइप से लिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या पूछा जाएगा है ना, कि लिखित परीक्षा पहले होगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसकी एज क्राइटेरिया है ना। तो इसकी अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, आयु सीमा की अगर बात करते हैं, तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए यानी कि MBI के लिए बनने के लिए ज़रूरी होता है कि जो है कैंडिडेट का जो है उम्र होता है 18 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में वो जो है कुछ राज्यों में, मतलब हर राज्य के लिए अलग अलग एज के क्राइटेरिया रखी जाती है। जैसे कि अब मगर जो है जनरली रखा जाता है 18 से 35 साल के बीच में, ठीक है। अधिकतम आयु जो है 39 साल से 40 वर्ष तक भी हो सकती है। और जो है इसमें जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ना। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु की सीमा में जो है सरकार जो है नियमानुसार जो उसका बनता है कोटा के अनुसार जो उसमें एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ये तो हो गई उम्र की सीमा फ्रेंड्स। और जो है अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है, जो कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है, जो स्टूडेंट जानने के लिए जो है हमेशा प्रयास करते हैं, वो ये बात होती है कि अब जो है कि इसमें जो है काम क्या करना पड़ता है, और जो है इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर जो है ना, पद आमतौर पर विभिन्न राज्य और सरकारों में के परिवहन विभागों में है ना जिला स्तर पर होता है। यह जो है आपका पोस्टिंग जो है जिला स्तर पे होगा, अन्य राज्यों में जो है जहाँ से निकली हुई है उस राज्यों के जो है जिला स्तर पे आपका पोस्टिंग होगा। और कुछ राज्यों में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पद जो है प्रमोशनल होता है ना, आपको इसमें जो है प्रमोशन भी होता है फ्रेंड्स। और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के पद पर जो है सीधी भर्ती की जाती है। कई मामलों में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में नॉन टेक्निकल या टेक्निकल के पदों अलग अलग भर्ती पदों पर जो है अलग अलग भर्ती की जाती है। ज़्यादातर मामलों में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर उम्मीदवारों का चयन संबंधित राज्य के लोकसभा आयोग या राज्य कर्मचारी चयन आयोग या राज्य के परिवहन विभाग द्वारा जो है सीधी भर्ती के तौर पर किया जाता है। इन संगठनों द्वारा भर्ती प्रक्रिया का आयोजन समय समय पर नियुक्तियों के अनुसार जो है किया जाता है। अब जो है MBI का जो है कि भर्ती, ये बोर्ड कौन कौन है फ्रेंड्स,
तो ये जो है बीपीएससी के माध्यम से भी किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको जानना है कि इसका पोस्टिंग जो है राज्य के जिला में होता है, ठीक है, और इसका जो है कि नियुक्ति कौन करता है, तो कर्मचारी चयन आयोग भी कर सकता है, है ना, और बीपीएससी के यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग भी कर सकता है। तो ये सब के माध्यम से जो है इसकी नियुक्ति की जाती है, ये सब ही इसका बोर्ड होता है लेने का जो है, ये जो है दो बोर्ड जो है इसको नियुक्ति करता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बातें करते हैं फ्रेंड्स कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के कार्य, अब कार्य इसका जानते हैं कि अब जो है इसमें तो मेरा सिलेक्शन हो गया, अब जो है भगवान करे आप लोग सभी का सिलेक्शन हो जाए फ्रेंड्स, हम दिल से दुआ करते हैं, और आप लोग जो है अब तभी सिलेक्शन होगा जब आप लोग जो है पढ़ाए हुए करवाए हुए प्रिपरेशन को जो है पूरा पूरी वाच करेंगे और लगन से मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता हासिल होगी। चलिए अब जो है इसका काम क्या करना पड़ेगा वो आपको हम बताते हैं। तो MVI के लिए यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो है कार्यों के तैनाती के लिए आपको एरिया बांट दिया जाएगा, क्षेत्र या उप क्षेत्र के अंतर्गत या अंतर्राज्यीय परिवहन है ना की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग देना, यानी कि आपको जो है क्या है कि परिवहन से जुड़े कानून एवं नियम आपका जो है क्या इसमें काम रहेगा कि परिवहन का जांच पड़ताल करना, ठीक है, उसमें जो है जो भी उसे एविडेंस खाली है त्रुटि है उसका जो है जांच पड़ताल परिवहन के करना, चलान करना है ना, ये सब काम आपका रहेगा। यात्री एवं वाणिज्य के जांच करना एवं किसी भी अनियमितता की स्थिति में आवश्यक जुर्माना या वाहन जब्त करना, ट्रैफिक जाम हो जैसे किसी भी ट्रैफिक में जो है किसी भी वाहन को आप पकड़ लिए हैं ना उसमें अगर कोई भी एविडेंस को गलत पाते हैं या कोई भी तरह का गलत दोष उसमें देखते हैं तो आप उसको जो है चलान कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, है ना, यानी जाँच पड़ताल करना जो है MVI का मूल मुख्य मोटिव होता है, ठीक है, और जो है और उसमें जो है आप चलान काट के फाइन भी ले सकते हैं ना, वाहन को जब्त कर सकते हैं, ये सब अधिकार आपको इसमें दिया जाएगा। परिवहन से जुड़े नियमों के पालन को सुनिश्चित करना, अपने क्षेत्रों में राज्य परिवहन से जुड़े कार्य की रिपोर्ट बनाना और संबंधित अधिकारियों के निर्देश के अनुसार आपसे जो उच्च अधिकारी होंगे उनके निर्देश के अनुसार जो है कार्य समीक्षा करना, यानी कि वो जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे आपको काम करना पड़ेगा, आपके उच्च अधिकारी को नियम का फॉलो करना पड़ेगा, है ना, वो बताते हैं तो आपको जो है उस अनुसार काम करना पड़ेगा मोटर से संबंधित, है ना, अगर उसमें कोई त्रुटि पा गया तो आप पकड़ सकते हैं, उसको जब्त कर सकते हैं, उसको चलान काट सकते हैं, पैसा वसूल सकते हैं, ना ये सब काम आपका रहेगा, और उच्च अधिकारियों के जैसे जैसे आपको फॉलो करने के लिए कहेंगे वैसे कर वो करना पड़ेगा, तो ये सब इसमें काम होता है। अब जो है बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसकी सैलरी की, अब जो है काम कर लिए तो पैसा भी तो चाहिए, तब इसमें जो है सैलरी कितना मिलेगा ये भी बात आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर सैलरी की बात अगर कर लेते हैं तो इसमें जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद पर 7वें वेतन आयोग के पे ग्रेड जो है मैट्रिक्स लेवल का जो है 13,35,900 से 13,35,900 से 113,500 के अनुरूप में जो है सैलरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के भत्ते और जो है पेमेंट के अलावा भत्ते दिया जाएगा आपको, DHRA आदि दिया जाएगा जो उसमें सरकारी फंड से आप लोग के कटता वो पैसा आपको दिया जाएगा, इसके अलावा PF है ना। वहीं जिन राज्य सरकारों के विभाग एवं संस्थानों के 7वें वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है वहां समकक्ष स्तर पर निर्धारित वेतनमान के अनुसार जो है सैलरी दी जाएगी। तो ये थी इसकी सैलरी फ्रेंड्स, है ना, आपको सभी इस वेतन के अलावा आपको सभी मिलेगा फ्रेंड जो भी सरकारी योजना से एक MVI को मिलता है ना, जैसे कि DHR जो है ना, और जो है 7वां वेतन भी अगर लागू नहीं हुआ है तो वह जो है समकक्ष स्तर के निर्धारित वेतनमान के अनुसार सैलरी दिया जाएगा, वो भी आपको 7वें वेतन के अनुसार में आपका सैलरी जो है दिया जाएगा। तो ये तो है, आप जान गए कि 35,900 से लेके 113,500 तक जो है सैलरी MVI रिक्वायरमेंट MVI यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो है वेतनमान है, वेतन है ये फ्रेंड जान गए। अब जानते हैं
जो ये तो जान गए फ्रेंड। तो यही था कुछ बातें जो आप लोग को बताना था, है ना। तो जान ही गए कि काम क्या करना पड़ेगा। तो आपको मोटर का जांच पड़ताल करना है, और किसी तरह का त्रुटि निकल गया तो उसको जो है कि एविडेंस में, तो उसको जो है कि पकड़ना है, उसमें चलान करना है ना, उसको जो है जब्त करना है गाड़ी को, अनियमितता को उसको देखना है, गाड़ी में जो अनियमितता जो आप पकड़ेंगे तो उसको जो है देखना है ना। तो सारा फंडा जो है गाड़ी से है। तो यही था जानकारी फ्रेंड देना था। और रहा बात की, ये सब तो बात की बात है, आप लोग कैसे होइएगा, इतना पोस्ट पे कैसे आइएगा, कैसे आप 35,900 पेमेंट और से लेकर जो है 1,13,500 तक उठाइए। तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं ऑटोमोबाइल का, मैकेनिकल का, इसके अलावा फिजिक्स का, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना का, जो भी करवा रहे हैं फ्रेंड्स, आप जो है उसे पूरा ध्यान से मेहनत करेंगे तब जो है यहाँ तक पहुँचेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स एक बार जो है देखिए, ये तो हमेशा होते रहेगा। आप फॉर्म भरिएगा, साइबर कैफे में जाइएगा, पैसा बर्बाद होगा, फिर वही साल घूर के आएगा, फिर निकलेगा, तो कब तक कैसे चलेगा। तो आप लोग जो है इसी में क्यों नहीं मेहनत करते हैं और निकल जाते हैं। मेरा सजेशन तो यही है फ्रेंड कि आप लोग इसी में निकल जाएं मेहनत करी करके। और जो है बस यही बताना था। अब जो है कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब जी तोड़ मेहनत कीजिए और जो है सिलेक्शन लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कोई भी तरह का क्वायरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमें जो है बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, धन्यवाद। आपका दिन